सो वेलकम अगेन। तो अब जो है हमारा डायनेमिक रिस्पांस फैक्टर जो है वो हमने समझा है। सो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से वो जो डायनेमिक रिस्पांस फैक्टर है वो, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट रिस्पांस फैक्टर है जो हमने देख रहे हैं। डायनेमिक रिस्पांस फैक्टर्स होते हैं, मतलब फैक्टर से मुराद ये है कि देयर कैन बी मोर देन वन फैक्टर, ठीक है। तो उसका जो एक चीज़ है वो होता है डिस्प्लेसमेंट रिस्पांस फैक्टर, जिसको अभी तक हम पढ़ते हुए आए हैं। तो आज का जो ये पर्टिकुलर हमारा आज का ये लेक्चर है, इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से वेलोसिटी रिस्पांस फैक्टर और फिर एक्सेलरेशन रिस्पांस फैक्टर आ रहा है। क्योंकि हमने जो डायनेमिक हमारी लोडिंग है उसमें जो एक्सेलरेशन है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट उसका रोल है, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो रिस्पांस फैक्टर्स, मैं इसीलिए एस के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस कर रहा हूँ, रिस्पांस फैक्टर्स। उसके अंदर फिर हम डिस्प्लेसमेंट रिस्पांस फैक्टर, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन रिस्पांस फैक्टर जो है इसको हम देखते हुए आगे चलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है वो मेन टॉपिक वही लेक्चर नंबर 8 का, जो हम हार्मोनिक वाइब्रेशन विद विस्कस डैम्पिंग को ही देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर ये अब हमारा जो चीज़ आ गई है वो रिस्पॉन्स फैक्टर्स आ गए हैं। तो अगर यहाँ भी आप देख रहे हैं तो मैंने जो चीज़ इस्तेमाल की हुई है, टर्म इस्तेमाल की हुई है, वो डायनेमिक रिस्पांस फैक्टर की हुई है, ठीक है। तो डायनेमिक रिस्पांस फैक्टर्स इसको इंशाल्लाह हम देखेंगे, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट डिस्प्लेसमेंट गिवन इन इक्वेशन नंबर 23, जो हमने लास्ट लेक्चर में इक्वेशन नंबर 23 देखी थी, वो ये थी स्टेडी स्टेट डिस्प्लेसमेंट की, यू टी डिवाइडेड बाई पी नॉट अपॉन के इज इक्वल टू आर टी। ये अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ यू एस टी नॉट की टर्म यहाँ इस्तेमाल की थी, यू नॉट की, आर डी इंटू साइन ओमेगा टी। ये हमने बताया कि आर डी द डिस्प्लेसमेंट रिस्पॉन्स फैक्टर, एंड देन फिर हमने आपको ये फेज एंगल फाई के बारे में भी बताया, ठीक है। और इसको फिर हमने सिंप्लीफाई करके आर डी की वैल्यू निकाली, उसमें सी और डी की आई, वो पूरी जा रहा है लास्ट लेक्चर को, तो अभी हम रिवाइज करने नहीं बैठे हुए। सो द डिफॉर्मेशन रिस्पॉन्स फैक्टर आर डी जो है द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड यू नॉट ऑफ द डायनेमिक डिफॉर्मेशन। ये आप सबको बताया कि यू नॉट जो है वो डायनेमिक डिफॉर्मेशन है और पी नॉट अपॉन के इज स्टेटिक डिफॉर्मेशन। हम बड़ा इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं कि डायनेमिक डिफॉर्मेशन रिस्पॉन्स फैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो ये आर डी होता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में कवर अप किया है कि यू नॉट अपॉन यू एस टी नॉट होता है, एंड दिस आर डी रिस्पॉन्स फैक्टर इज इक्वल टू दिस थिंग। फिर हमने इसके प्लॉट भी ड्रा किए और प्लॉट को बड़े एक्सटेंसिव हमने उसमें अपनी डिस्कशन भी की है। सो अगर हम ये जो इक्वेशन है 29 को, ये दिस इक्वेशन 29 को, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो गिव दैन इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी रिस्पांस फैक्टर, ठीक है। तो अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, इसका वन टाइम डेरिवेटिव विल गिव यू द वेलोसिटी एंड द टू टाइम डेरिवेटिव विल गिव यू द एक्सेलरेशन। तो विल बी तो टारगेट मैंने आपको शुरू में बताया, तो हमारा ये है कि हम वेलोसिटी रिस्पॉन्स फैक्टर और एक्सेलरेशन रिस्पॉन्स फैक्टर की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव एंड जो कि आपको यहाँ से वेलोसिटी का मिल जाएगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 30, ठीक है। अब हमें पता है कि सिंस ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन एम, और हमें ये भी पता है कि आर वी जो है, यहाँ हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आर वी जो है वो इसके साथ, इस आर डी के साथ इस तरीके से रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ओमेगा क्या है, ओमेगा एन क्या है, और आर डी जो है दिस इज दी आर डी, ठीक है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि जो वेलोसिटी रिस्पॉन्स फैक्टर डी इज द डिस्प्लेसमेंट रिस्पॉन्स फैक्टर, और अगर सबस्क्रिप्ट में आपके पास वी आ रहा है तो दैट इज दी वेलोसिटी रिस्पॉन्स फैक्टर, और अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई जो वेलोसिटी रिस्पॉन्स फैक्टर है इज रिलेटेड टू द डिस्प्लेसमेंट रिस्पॉन्स फैक्टर बाय दिस थिंग, ठीक है। तो फिर जो आर डी है डिस्प्लेसमेंट रिस्पॉन्स फैक्टर वेलोसिटी के साथ इस टर्म के साथ आ जाएगा, जहां ओमेगा एन जो है वो अंडर रूट के अपॉन एम है, ठीक है। सो दस पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर डी, ये वैल्यू ऑफ आर डी अगर हम इसके अंदर पुट करते हैं तो फिर आपको इसके इक्वेशन नंबर 30 के अंदर अगर हम पुट करते हैं तो आपको ये चीज़ मिलती है। तो यहाँ से हम आर वी की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यू गेट दिस इक्वेशन नंबर 31 विच इज़ गिविंग यू द वेलोसिटी रिस्पॉन्स फैक्टर। यहाँ भी अगर आप देख रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट के साथ जब था तो यहाँ यू टी था, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिस्पॉन्स फैक्टर, और जब यहाँ आपके पास वेलोसिटी आ गया तो फिर दैट वुड बी वेलोसिटी रिस्पॉन्स फैक्टर, ठीक है। तो दिस इज दी वेलोसिटी रिस्पॉन्स फैक्टर। अब है एक्सेलरेशन रिस्पॉन्स फैक्टर। अब जैसे हमने एक दफ़ा डिफ्रेंशिएट किया तो हमें वेलोसिटी मिल गई, सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो विल गेट दी एक्सेलरेशन रिस्पॉन्स फैक्टर। सो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 31 गिव एन इक्वेशन फॉर द एक्सेलरेशन रिस्पॉन्स फैक्टर विच इज दिस थिंग, ठीक है। तो यहाँ अगर हम आर वी की वैल्यू को इन टर्म ऑफ आर ए पुट करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन रिस्पॉन्स फैक्टर की जो
फाइनल शेप है वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो ये वो पुरानी बातें हैं जो हमने लास्ट में भी देखी, ओमेगा एन ये है और जो एक्सेलरेशन रिस्पांस फैक्टर है वो डिस्प्लेसमेंट रिस्पांस फैक्टर के साथ स्केल की सूरत में आ रहा है। तो अगर आपको लास्ट स्लाइड में याद होगा तो आर वी और आर डी का जो रेशियो था उसके साथ ये स्केल नहीं था, जब एक्सेलरेशन आया तो उसके साथ ये स्केल की टर्म आ गई। तो आर ए जो है वो आर वी के साथ फिर इस तरीके से रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो अब हम इसकी वैल्यूज को डाल देते हैं, ये यहाँ तक पहुँचे, ये वैल्यूज डाली, तो जो फाइनल शेप आपको मिल रही है इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑल दोज स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व इन द डेरिवेशन ऑफ दिस थिंग, सो दिस इज द फाइनल शेप। एंड जिस तरह बार बार हम बता चुके हैं, हम ये प्रैक्टिस कर चुके हैं कि जो हमारे लिए चीज़ मैटर कर रही है वो जो फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द इक्वेशन है और उस इक्वेशन को समझना और वो जो हमसे कम्युनिकेट करती है वो उसकी उसकी बोली को हम समझ सकें कि वो हमें क्या बताना चाह रही है और उस बोली को हम बता करके हम ड्रॉ कर सकें कि क्या चीज़ है। ठीक है ना, जैसे वो कहते हैं ना कि आप हाथी के बारे में 10 बातें बताते रहे बताते रहे बताते रहे, हाथी के जो है ये इतना मोटा होता है, ये मोटी मोटी टांगे होती है, ये उसकी एक सूंड होती है और उसके हाथ दिखाने के दांत और हैं और खाने के दांत और है। लेकिन अगर वही चीज़ है एक बच्चे को आप हाथी की शक्ल दिखा दे तो वो जो उसके दिमाग घूम रहा होगा वो शक्ल देख के समझ जाएगा भाई ये तो ये बताना चाह रहा था। तो सम टाइम जो चीज़ें हैं वो ग्राफिकल शेप आपको बहुत आसानी के साथ कम्युनिकेट कर देती है जो भी चीज़ें बताना चाह रहे होते हैं। ठीक है, और बाज़त आपको वो इक्वेशन की सूरत में समझना आसान हो जाता है। तो इसलिए जो हमारा जो तरतीब चलती रही है कि हम इक्वेशन भी बनाते हैं और उसके ग्राफिकल शेप भी दिखाते हैं, तो इसलिए जो डेरिवेशन थी कहने का मकसद ये था कि वो हो सकता है आपको थोड़ी सी कंबरसम नजर आ रही होगी क्योंकि हमने तो बड़े से बड़ी बड़ी डेरिवेशन पीछे की है। ठीक है, तो वो डेरिवेशन हमारे लिए मैटर नहीं कर रही, जो एंड प्रोडक्ट है वो हमारे लिए मैटर कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज द एक्सेलरेशन रिस्पॉन्स फैक्टर, वी हैव सो फार डिराइव द डिस्प्लेसमेंट रिस्पॉन्स फैक्टर, देन वी डिराइव द वेलोसिटी रिस्पॉन्स फैक्टर एंड दिस इक्वेशन नंबर 32 इज द एक्सेलरेशन रिस्पॉन्स फैक्टर्स। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि ये रिस्पॉन्स फैक्टर, तो ये डिस्प्लेसमेंट का आपको पता ही है कि जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर फोर्स के नतीजे में हम सब जानते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने का मतलब ये है उसके अंदर वेलोसिटी प्रोड्यूस हो रही है, तो जिस तरीके से डिस्प्लेसमेंट एम्पलीफाई हो रही है उस तरीके से उसकी वेलोसिटी भी एम्पलीफाई हो सकती है। उसी तरीके से जो स्ट्रक्चर का एक्सेलरेशन है वो अपने पीक पे जाता है फिर एक्सेलरेशन रिड्यूस होता है। ठीक है, तो जहां डिस्प्लेसमेंट आएगी वहां वेलोसिटी आएगी वहां एक्सेलरेशन आ सकती है। ठीक है, तो बिकॉज दे आर टाइम डिपेंडेंट, तो इस तरीके इसलिए जो है हम ये रिस्पांस फैक्टर निकाल रहे हैं। और जब आगे चल के हम अर्थक्वेक के अंदर ये जंप करना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे तो हम चीज़ों को मोस्टली एक्सेलरेशन की टर्म में हम देख रहे होंगे। ठीक है, तो इसलिए ये एक्सेलरेशन की टर्म की तरफ हमारा जाना काफ़ी ज़रूरी था। अब जो डायनेमिक रिस्पांस फैक्टर्स हैं, ठीक है, तो ये सारे के सारे सारे पहले हम डिस्प्लेसमेंट रिस्पांस फैक्टर को डायनेमिक रिस्पांस फैक्टर कह रहे थे ना, क्योंकि अब हमारे पास वेलोसिटी का रिस्पांस फैक्टर भी आ गया है और एक्सेलरेशन का भी रिस्पांस फैक्टर भी आ गया है, तो वी आर कॉलिंग देम कलेक्टिवली एज ए डायनेमिक रिस्पांस फैक्टर एंड द इंडिविजुअल टर्म वुड बी नॉन एज द डिस्प्लेसमेंट रिस्पांस फैक्टर एंड द वेलोसिटी रिस्पांस फैक्टर एंड देन लास्टली एक्सेलरेशन रिस्पांस फैक्टर। ठीक है, अब ये तमाम के तमाम जो रिस्पांस फैक्टर हैं दे अगर एज अ फंक्शन ऑफ इसको फोर्सिंग रेशियो की टर्म में हम इसको दिखाना चाहें तो वह आपको ये नजर आ जाते हैं। सो दिस फर्स्ट वन इज द डिस्प्लेसमेंट रिस्पांस फैक्टर। ठीक है, इसके बाद हम वेलोसिटी रिस्पांस फैक्टर को देखेंगे। ये वो चीज है जो आप पहले देख चुके हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिस्पांस फैक्टर हम पहले देख चुके हैं, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये इसलिए इस पर मैं बहुत ज्यादा रोशनी नहीं डाल रहा क्योंकि ये हमने जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट रिस्पांस फैक्टर को देख लिया था। ठीक है, सो द डिफॉर्मेशन रिस्पांस फैक्टर आर डी इज यूनिटी, ये वो बात समझाने की कोशिश कर रहा है। एक फ्रीक्वेंसी रेशियो अगर आपके पास फोर्स जीरो है, ठीक है, फोर्सिंग रेशियो जीरो है तो फिर ये यूनिटी की तरफ जा रहा है रिस्पांस फैक्टर। ठीक है, पीक्स अपनी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की तरफ जाता है जब आपके पास ओमेगा अपॉन ओमेगा एन इज लेस देन वन। ठीक है, और एंड अप्रोच इज जीरो, एंड यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो ये जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है जब आपके पास फ्रीक्वेंसी रेशियो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो तीन ज़ाहिर हमारे पास चीज़ें आती हैं, जब ये वन के जीरो होता है फ्रीक्वेंसी रेशियो, जब वन होता है या फिर बहुत ज़्यादा होता है। तो जीरो के केस में आप देख रहे हैं तो दिस इज़ वेरी मच क्लोज टू द यूनिटी, और वन के केस में देख रहे हैं ये अपने पीक से अचीव करता है, और अगर आप इसको हायर फ्रीक्वेंसी रेशियो के ऊपर देख रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिस्पांस फैक्टर या जो डिफॉर्मेशन रिस्पांस फैक्टर आर डी है वो जो है जीरो की तरफ चला जाता है। ठीक है, और फॉर अगर आपके कह रहे हैं कि जीटा ग्रेटर देन वन अपॉन अंडर रूट टू नो पीक अकर्स फॉर आर डी, यहाँ से अगर आप देखते हैं कि जो जीटा की वैल्यू है अगर वन अपॉन टू अंडर रूट है तो फिर पीक नहीं आती, जैसे यहाँ आपको पीक मिल रही है यहाँ आपको पीक मिल रही है, इन दो के लिए आपको पीक नहीं मिलती। ठीक है, तो ये वो बताने की कोशिश कर रहा है कि आर डी के जो है वो फिर पीक नहीं आती।
तो अब नेक्स्ट हम वेलोसिटी रिस्पांस को देख लेते हैं, दिस इज द वेलोसिटी रिस्पांस फैक्टर। तो अगर इसके अंदर भी आप देखेंगे तो अगर फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी आपके पास लेस देन वन है तो वेलोसिटी रिस्पांस फैक्टर इज वेरी नियरली इक्वल टू जीरो, ठीक है। और अगर फ्रीक्वेंसी रेशियो आपके पास वन है तो आपके पास पीक अचीव हो रही है, एंड अगेन आप देखते हैं कि जो इसकी पीक है वो इसे थोड़ा सा हट के वेलोसिटी रिस्पांस फैक्टर की पीक्स यहाँ आ रही हैं। और अगर फ्रीक्वेंसी रेशियो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो फिर अगर आप देखें तो वेलोसिटी जो है वो 0.5 के करीब करीब जा रही है, लेकिन जीरो नहीं हो रही। डिफॉर्मेशन रिस्पांस फैक्टर जीरो की तरफ जा रहा था, लेकिन वेलोसिटी रिस्पांस फैक्टर फॉर हायर फ्रीक्वेंसी रेशियो जो है वो इट्स नॉट इक्वल टू जीरो। इसकी डिस्कशन यहाँ इसने आगे भी कर दी है कि द वेलोसिटी रिस्पांस फैक्टर आर वी इज जीरो एट फ्रीक्वेंसी रेशियो जीरो, पीक्स फॉर रेजोनेंस एंड अप्रोचेस टू जीरो एज फ्रीक्वेंसी रेशियो इज ग्रेटर देन वन, ठीक है। तो यहाँ जो है ये फिर जीरो की तरफ नहीं जा रहा लेकिन अप्रोच कर रहा है जीरो पर, और वहां भी वो जीरो के बहुत ज्यादा करीब जा रहा था। तो नेक्स्ट जो होगा वो एक्सेलरेशन रिस्पांस फैक्टर होगा। ये एक बहुत ही दोबारा इंटरेस्टिंग सी चीज आ गई। अगर आप ये देखें तो इसके अंदर जो वेरी वेरी लेस देन वन है, ये वेरी रेशियो जीरो के करीब है, तो आर ए बी आपके पास एक्सेलरेशन जो रिस्पांस फैक्टर है वो दैट इज आल्सो इक्वल टू जीरो। और जो एक्सेलरेशन रिस्पांस फैक्टर है वो इसी तरीके से पीक की तरफ जा रहा है, और जो अगर ये आप हायर फ्रिक्वेंसी रेशियो की तरफ जा रहे हैं तो ये फिर वन की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेशन रिस्पांस फैक्टर वन की तरफ जा रहा है। जीरो एट जीरो पीक्स फॉर ग्रेटर देन वन एंड अप्रोचेज यूनिटी फॉर ग्रेटर देन वन, ये दैट इज इक्वल टू वन। ये जो यहाँ चीज़ लिखी है ये गलत लिखी हुई है, इट इज पीक्स फॉर फ्रीक्वेंसी रेशियो इक्वल टू वन, ठीक है, दिस इज इक्वल टू वन। तो ये शायद मैं नहीं देख पाया, गलती से मैंने इसमें इक्वल टू या ग्रेटर देन लिख दिया है। सो दिस पीक्स फॉर इक्वल टू वन एंड अप्रोचेज यूनिटी एट इन्फिनिटी की तरफ, जब आपकी तरफ जा रहा है ये इन केसेस की तरफ जा रहा है तो फिर ये वन की तरफ जा रहा है। और ये कैसे रेशियोज़ हैं, ये रेशियो हैं जो कि बहुत ग्रेटर हैं, या फिर आप कह लेंगे जो इन्फिनिटी को अगर अप्रोच कर रहे हैं, फोर्सिंग फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है नेचुरल फ्रिक्वेंसी, तो फिर ये वन की तरफ चला जा रहा है। तो ये आपके तीन रिस्पांस फैक्टर जो थे वो इन टर्म ऑफ फ्रिक्वेंसी रेशियो हमने यहाँ डिस्कस किए, ठीक है। और वो कह रहा है कि फॉर ग्रेटर देन वन अपॉन रूट टू नो रूट सकर, जैसे भी आपने ये पहले भी हमने डिस्कस किया है, जब फिर ये डैम्पिंग रेशियो जो है देख रहे हैं, अगर आप इस रेंज के अंदर आ गया है 0.7 और 1 के अंदर आ गया है तो फिर पीक आ ही नहीं रही। यहाँ अगर आप देख रहे हैं पीक आ रही है, यहाँ पीक आ रही है, लेकिन ये इससे ऊपर के डैम्पिंग रेशियो के लिए फिर कोई पीक नहीं आती। तो अगर हम इन तीनों का आपस के अंदर एक सादा रिश्ता बनाने की कोशिश करें तो ये एक सादा रिश्ता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिस्पांस फैक्टर, वेलोसिटी रिस्पांस फैक्टर एंड द एक्सेलरेशन रिस्पांस फैक्टर। तो ये तीनों आपस में इस तरीके से इस रिश्ते के साथ इस बंधन के अंदर बंधे हुए हैं। तो ये जो बंधन है ये मेक इट पॉसिबल टू प्रेजेंट ऑल थ्री फैक्टर इन अ सिंगल ग्राफ, क्योंकि ये तीनों का आपस में ताल्लुक है। इसका मतलब ये कि इन तीनों को हम एक साथ भी दिखा सकते हैं। तो इनकी जो तीनों की एक साथ फिगर है वो फोर वे लॉगरिथमिक ग्राफ पेपर के अंदर हम उसको दिखा सकते हैं, तो वो ये चीज़ नजर आती है। तो इसके अंदर अगर आप देख रहे हैं तो ये वही तीनों जो थे वो टू वे में थे, अब ये फोर वे लॉगरिथमिक ग्राफ है। अगर इसके अंदर आप देख रहे हैं तो ये एक्सेलरेशन रिस्पांस फैक्टर भी है, ये एक्सेलरेशन रिस्पांस फैक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट रिस्पांस फैक्टर, और ये वेलोसिटी रिस्पांस फैक्टर, और जो एक्स एक्सिस जो बॉटम है इसकी उसके ऊपर आपको फ्रिक्वेंसी रेशियो नज़र आ रहा है, ठीक है। सो आर डी एंड आर ए वैल्यूज कैन बी रेड फ्रॉम द डायगोनली ओरिएंटेड, ये आर डी और आर के डायगोनली के साथ आप लिख सकते हैं, ठीक है, और आर ई की वैल्यू आप वर्टिकल स्टेज के साथ देख सकते हैं। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी रेशियो आप जो लेना चाहते हैं इस फ्रीक्वेंसी रेशियो को, इस जैसे अगर आप डिस्प्लेसमेंट रिस्पांस फैक्टर देखना चाह रहे हैं तो आप इसको यहाँ देख लें, ठीक है। मतलब लेट सपोज अगर आपका फ्रीक्वेंसी रेशियो 0.5 है तो इस लाइन को यहाँ से आप यूँ ड्रा करके यहाँ ऊपर ले जाएँ, ठीक है। तो ये पेन से अगर मैं एक सीधी लाइन आपको ड्रा कर सकूं, तो ये जो हम जाना चाह रहे हैं रिस्पांस स्पेक्ट्रम की तरफ जाना चाह रहे हैं, ठीक है, यहाँ से अगर आप इस लाइन को ये ड्रा कर लें, ये लाइन मुझे सीधी नहीं लगेगी, ये यूं आ गई। तो अगर यहाँ आप इसको क्रॉस कर रहे हैं तो यू आर रीडिंग द डिस्फॉर्मेशन रिस्पांस फैक्टर, अगर आप इसको यहाँ क्रॉस कर रहे हैं तो यू आर रीडिंग द एक्सेलरेशन रिस्पांस फैक्टर, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसके साथ आपस में आप इसकी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं, और ठीक है। सो दिस कम्पैक्ट प्रेजेंटेशन मेक इट पॉसिबल टू रिप्लेस द थ्री लीनियर प्लॉट जो कि हमने पिछले तीन में तीन स्लाइड के अंदर लाए थे, एक सिंगल प्लॉट के अंदर आप इस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। तो आगे वाले लेक्चर में हम इंशाल्लाह ये देखेंगे कि हम इसको प्लॉट कैसे कर सकते हैं, अगर हम खुद प्लॉट करना चाहें तो फिर हम उसको कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो आर ए जो है इज प्लॉटेड एज अ फंक्शन ऑफ फ्रिक्वेंसी रेशियो ऑन लॉग ग्राफ, ठीक है, ये उसको बनाने का ये जो
इसको बनाने का तरीका है, ये उसका नहीं कुछ कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये हम आज के लेक्चर को यहाँ तक रखते हैं, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर फिर हम इसके जो ग्राफ बनाने का तरीका है उसको फिर हम इंशाल्लाह डिटेल में देख लेंगे, तसल्ली के साथ उसको समझ लेंगे, ठीक है।